यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं फायर आर्म्स का जो एग्जामिनेशन रहता है वो किस तरह से करते हैं अभी तक हम सारे के सारे बेसिक्स पढ़ रहे थे एंड यहाँ पर हम पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके नेट के एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है एंड अगर आप फॉरेंसिक साइंस से देखें तो उस आस्पेक्ट से तो इम्पॉर्टेंट है ही ठीक है सो so, इस वाले टॉपिक में बेसिकली हम कार्डरज केस के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में कि कार्टरज केस का एग्जामिनेशन कैसे होता है इसके अलावा जो आपको फायर आर्म्स मिलते हैं जो वेपन्स आपको मिलते हैं गन मिलती हैं तो उनका जो एग्जामिनेशन रहता है वो किस बेसिस पर कर सकते हैं ठीक है तो वो पूरी की सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके ठीक है एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को जो कि है फायर आर्म्स एग्जामिनेशन तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फायर आम्स एग्जामिनेशन के बारे में सो अ फायर आर्म कैन बीडेंट आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास कैरेक्टरस्टिक्स एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरस्टिक्स सो जितने भी फायर आर्म्स होते हैं उनका जो एग्ज़ामिनेशन रहता है या फिर ये कहें कि जितने भी तरह के एविडेंसेस होते हैं उन सभी का जो एग्जामिनेशन होता है बेसिकली उनके क्लास करैक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर होता है अभी ये क्लास करैक्टरस्टिक्स एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास करेक्टरिस्टिक्स की तो सपोज एक कोई क्लास है ठीक है कोई भी एक पर्टिकुलर बच्चों का किसी भी सेक्शन के कोई बच्चे हैं कुछ क्लास है एक उनमें क्या है सपोज आपके टेंथ क्लास के बच्चे हैं टेंथ क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा उनका कोई उसके अलावा सारे के सारे बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कुछ पढ़ते होंगे तो ये सारे जो हो गए उनकी क्लास करेक्टरिस्टिक्स हो गई मतलब कोई एक बच्चा है तो वो इस सेक्शन में होगा इस क्लास में होगा इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट है ठीक है साइंस का है या मैथ्स का है तो वो एक पर्टिकुलर हो गया तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लास करेक्टरिस्टिक्स हो गई मतलब उस क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे उस सेक्शन में बहुत सारे बच्चे होंगे उस सब्जेक्ट में भी बहुत सारे बच्चे होंगे ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई यहाँ आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक ग्रुप की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं उन सबकी जो इतनी भी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सभी में आपको देखने को मिलेगी उसको हम बोलते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम बात करें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की तो हर एक जो भी बच्चा होगा उन सभी बच्चों की जो हैंड राइटिंग होगी सभी की डिफरेंट होगी सबके सोचने का जो उनकी लॉजिक होगा जो उनका सेंस होगा वो सभी का डिफरेंट होगा सबके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होगा कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं कुछ को सोचने में समझने में थोड़ा टाइम लगता है तो वो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ठीक है हर एक इंडिविजुअल की राइटिंग अलग होगी हर एक इंडिविजुअल का जो आपके सोचने समझने का तरीका होगा वो अलग होगा कोई बच्चा टॉप करता है तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेता है बहुत अच्छे से चीज़ों को याद कर लेता है कोई बच्चा होगा उसके नंबर कम आते हैं तो वो चीज़ों को अपने से समझ नहीं पाता है या थोड़ा टाइम लगता है तो वो हर एक जो बच्चा है तो सभी के कुछ ना कुछ ये डिफ्रेंसेज हो गए ये हो गई उनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हर एक बच्चे में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी सभी की राइटिंग आपको अलग अलग देखने को मिलेगी ठीक है सो इस तरह से आप जो भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में पाई जाती हैं जो किसी दूसरे से सेम नहीं हो सकती वो सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल के में ही आपको देखने को मिलेंगी उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके पूरे एक ग्रुप में सभी की पाई जाएंगी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको हम क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं एंड जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हर एक इंडिविजुअल की सभी की डिफरेंट डिफरेंट होती है ठीक है सो आई होप मुझे मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है एंड आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी जो बेसिक डिफरेंस है क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ठीक है देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सो इट बियर्स जो आपके फायर आर्म्स होते हैं फायर आर्म्स बियर्स वेरियस मार्किंग्स ऑन बाई मैन्युफैक्चर फॉर द परपज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाइक सीरियल नंबर कैलिबर डिज़ाइन टाइप मॉडल फायरिंग मैकेनिज़म नंबर ऑफ लांड्स ग्रूप्स एक्सेट्रा सो जितने भी आपके फायराम्स होते हैं उन सभी में जो मैन्यूफेक्चरर होता है जो उस पर्टिकुलर फायराम को बनाता है या कहें कि उस ग्रुप के फायराम को बनाता है तो कई सारे वहाँ पर फायराम्स बनते हैं उन सभी में हर एक का सीरियल नंबर कैलिबर डिज़ाइन टाइप डिज़ाइन क्या है टाइप क्या है मॉडल क्या है फायरिंग मेकैनिज़म क्या है नंबर ऑफ़ प्लैंड कितने हैं ग्रूव्स कितने हैं तो ये सारे के सारी वो आपकी क्लास कैरेक्टरस्टिक्स हो गई वो उस पर्टिकुलर फायर आम की सीरियल नंबर आपका डिफरेंट होता है लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं फायरिंग मेकेानिज़म है नंबर्स ऑफ प्लान्स एंड ग्रूव्स हैं डिज़ाइन है मॉडल है टाइप है कैलिबर है, है, है तो ये सारी के सारी आपकी कॉमन करेक्टरस्टिक्स होती हैं जिसको कि हम क्लास कैरेक्टरस्टिक्स कहते हैं ठीक है थीके? तो ये सारी हो गई आपकी क्लास करेक्टरस्टिक्स इसके बाद में अगर हम बात करें ये जो मार्किंग्स होती हैं इनको हम क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं जिस ये जो आपकी कैलिबर रहता है टाइप रहता है डिज़ाइन रहता है ये सारा का सारा आपके फायर आर्म्स में इम्प्रिंट होता है उसको हम बोलते हैं आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि ये एक कॉमन रहती है ये कई सारे वेपन्स में आपको सिमिलर देखने को मिल सकती हैं ठीक है ठीके? लेकिन जो सीरियल नंबर होता है वो सभी का अलग अलग रहता है देन दिस कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ओनर इसके हेल्प से हम जो ओनर रहता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर लें ठीक है अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं थोड़ा सा और डीप में देखते हैं चीज़ों को सो इन केस ऑफ कार्ट्रिज केस टाइप शेप डिज़ाइन एंड अदर फॉर्मेशन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सब्सटेंस ऑफ कार्ट्रिज केस प्रिंटेड डिस्क्रिप्शन ऑन द बेस ऑफ कार्ट्रिज केस एटसेट्रा आर इट्स अ क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स सो अगर हम कार्ट्रिज केस के क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो क्या है उसके टाइप है शेप है डिज़ाइन है एंड उसके जितनी भी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि सबस्टांस हो गया उस कार्ट्रिज केस का उस पे पर जितने भी डिस्क्रिप्शन प्रिंटेड हैं उसके बेस पर कार्ट्रिज केस के बेस पर तो वो सारी के सारी हो गई आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स उस कार्ट्रिज केस की ठीक है so, सो ये होता है आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो सारी चीज़ें जो कि आपकी एक ग्रुप में या कई सारी चीज़ों में कॉमन होगी उसको हम बोलते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स देन बिसाइड्स द क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स देयर आर सेवर अदर मार्क्स विच अकर ऑन द सर्फिस ऑफ कार्टरिच केसेज सो आपके जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके अलावा और बहुत सारे मार्क्स आपको कार्टरिच केस पर देखने को मिलते हैं उन सभी के सभी कार्टरिच केस पर जितने मार्क्स मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारे के सारे मार्क्स को हम बोलते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमको क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा और जितना भी हमको दिखाई देता है सो दीज टाइप्स ऑफ मार्किंग्स आर द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फायरम एंड ऑल्सो टर्म एज एक्सीडेंटल मार्किंग्स ठीक है सो ये तो हो गया आपका क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी ये जो आपके मैंने मार्क्स बताए कि आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या रहते हैं कुछ मार्क्स होते हैं डिफरेंट मार्क्स होते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा तो वो कौन कौन से मार्क्स होते हैं सो दीज एक्सीडेंटल मार्किंग्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच आर गिवन बिलो फर्स्ट वन इज फायरिंग पिन मार्क ब्रीच फेस मार्क इजेक्टर एंड एक्स्ट्रैक्टर मार्क चैम्बर मार्क एंड अदर मार्क्स सो ये इतने कुछ टाइप के आपके मार्क्स रहते हैं जो कि आपको कार्ट्रोज केस पर देखने को मिलते हैं ये सारी के सारी आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड इनको हम एक्सीडेंटल मार्किंग्स भी कहते हैं ठीक है सो अभी हम वन बाय वन एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे कि कौन क्या क्या होता है किसके बारे में सभी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें फायरिंग पिन मार्क्स की सो वेन द

वो हैमर आपके पिन से स्ट्राइक करता है एंड वो पिन जो रहती है फायरिंग पिन रहती है वो आपके परक्यूजन कैप को हिट करती है एंड फायरिंग हो जाती है ठीक है so, सो जो आपका पिन रहती है एक पिन लाइक -like स्ट्रक्चर होता है उसको हम फायरिंग पिन कहते हैं जो है कि आपके परक्यूजन कैप को हिट करती है एंड उस फायरिंग पिन को आपका हैमर हिट करता है जब आप ट्रिगर को पुल करते हैं ठीक so, है सो जो आपके रिवॉल्वर्स होते हैं उसमें अलग से कोई भी फायरिंग पिन नहीं होती है उसमें जो फायरिंग पिन होती है वो आपके हैमर में अटैच रहती है अगर शॉर्ट गन्स राइफल्स की बात करें तो उसमें जो आपकी फायरिंग पिन होती है वो ब्रीच ब्लॉक से अटैच होती है एंड जो सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक गन्स होती हैं उसमें जो आपकी फायरिंग पिन होती है वो आपकी मूविंग ब्रीच ब्लॉक में अटैच होती है मूविंग ब्रीच ब्लॉक से अटैच होती है ठीक है सो ये हो गया आपके फायरिंग पिन के बारे में अभी व्हेन फायरिंग पिन हिट्स द परक्यूजन कैप ऑफ कार्ट्रिज केस इट फॉर्म्स अ डिप्रेस्ड क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज फायरिंग पिन मार्क सो so, जब आपकी फायरिंग पिन आपके परक्यूजन कैप पे हिट करती है उससे क्या होता है एक क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर बनता है काफ़ी डिप्रेस्ड क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम फायरिंग पिन मार्क बोलते हैं क्रेटर क्या होता है क्रेटर को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड आपका इम्प्रेशन कह सकते हैं या फिर उसको एक काफ़ी बड़े साइज का होल की तरह से होल तो नहीं कहेंगे लेकिन एक डिप्रेस्ड इम्प्रेशन कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ में ठीक है तो ये होता है आपका क्रेटर Then, the, there are the differences in the shape, size and finishing marks of firing pin. so जो आपकी firing pin रहती है उसके shape में size में एंड जो finishing marks होते हैं वो हर एक फायराम में अलग अलग आपको कुछ ना कुछ यूनिकनेस दिखाई देगी ठीक है तो उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ही easily कर सकते हैं तो अभी हम आगे एक इसका इमेज की हेल्प से देखते हैं सो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका percussion कैप है यह आपका परक्यूजन कैप है एंड इसमें यह आपको सेंट्रल में आपको डिप्रेस्ड क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड पोर्शन है यहाँ पर आपकी जो फायरिंग पिन थी उसने हिट किया था जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह से एक होल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है होल नहीं कहेंगे एक डिप्रेस्ड इंप्रेशन बन गया है जिसको हम बोलते हैं फायरिंग पिन मार्क ठीक है सो ये होता है फायरिंग पिन मार्क ये जो इमेज है ये साइड बाई साइड कंपेरिजन माइक्रोस्कोप में देखी जा रही है सो ये इतना जो पोर्शन है आपका ये दूसरे बुलेट का है एंड इधर का जो पोर्शन है आपका ये दूसरे कार्ट्रिज केस का है तो दोनों ही कार्ट्रिज जैसे जो आपका स्टैंडर्ड होता है जो आपका क्वेश्चन सैंपल होता है दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेरिजन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है कंपेरिजन माइक्रोस्कोप सो इस तरह से यहाँ पर आपको दोनों ही इमेज साथ में दिख जाती हैं कंपेरिजन माइक्रोस्कोप की हेल्प से एंड उसको आइडेंटिफाई करने में आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है ठीक है सो इस तरह से ये होता है आपका फायरिंग पिन मार्क इसके बाद में हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं ब्रीच फेस मार्क क्या होते हैं सो सर्फिस अपोजिट टू द चम्बर एंड टूवर्ड्स द फायरिंग पिन इज नोन एज ब्रीच फेस हुज मेन वर्क इज टू मेनटेन द कार्ट्रेज एट इट्स पोजिशन ड्यूरिंग फायरिंग सो आपका जो चैम्बर होता है चैम्बर मतलब बैरल में जिस जगह पर आपके फायर आर्म में कार्ट्रेज को पोजिशनिंग दी जाती है जिस जगह पर रखा जाता है उसको हम चैम्बर कहते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो बैक साइड का सरफेस रहती है उसको हम बोलते हैं ब्रीच फेस एंड इसका जो मेन वर्क रहता है वो क्या रहता है जो आपके कार्ट्रिज है उसको अपनी पोजीशन पर फायरिंग के टाइम पर रखे रहने की ठीक है सो इसको हम बोलते हैं ब्रिज फेस सपोज ये आपका फायर आर्म है यहाँ पर आपकी जो कार्ट्रिज है वो हाउस की गई है तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम बोलते हैं ब्रीच फेस ये वाला पोर्शन क्या करता है आपका जो कार्टरेज रहती है वो फायरिंग के टाइम पर पीछे साइड में ना आ जाए पीछे साइड में ना आ जाए उसके लिए ये ब्रीच फेस होता है जो कि कार्ट्रेज को अपनी पोजिशन पर रखे रहने के लिए यूजफुल रहता है देन एट द टाइम ऑफ फायरिंग देअर इज द बर्निंग ऑफ प्रोपिलेंट प्रोड्यूस गैसेज विच हेल्प इन द प्रपलशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मजल एंड एंड On the other hand, it also push the cartridge case towards the breech face. As a resultant, all imperfections are imprinted on the base of cartridge case. These marks are known as breech face marks. तो so, उसमें क्या होता है? जब भी आप firing करते हैं, trigger को pull करते हैं, आपकी जब आपका firing होती है, आपके जो priming mixture होता है, वो burn होता है, उसमें ignition start होता है, तो आपको जो propellant होते हैं, वो जलते हैं जाके उसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस है। होती हैं काफ़ी सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो बहुत सारा प्रेशर डेवलप होता है प्रेशर की वजह से जो आपका जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाती हैं आपके कार्ट्रिज केस पर पीछे के साइड में जिसकी वजह से जो आपका कार्ट्रिज केस का बैक साइड का पोजिशन होता है बैक साइड होता है वो आपके ब्रीच फेस से जाके काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन लगता है आपके कार्ट्रिज केस के बैकवर्ड्स बैक पोजिशन में एंड आपका जो ब्रीच फेस है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से जो ब्लीच फ़ेस में जितने भी आपके इम्परफेक्शन्स होती हैं जितनी भी मार्किंग्स होती हैं वो सारी की सारी आपकी जो आपका आ, कार्ट्रिज केस होगा उसके ऊपर इम्प्रिंट हो जाती हैं ठीक है सो तो ये होता है इस तरह से आपका ब्रीच फेस मार्क ये इसके बारे में अभी हम इसको डायग्राम से देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सो तो यहाँ पर आप वही साइड बाई साइड आपकी इमेज है ये आपका जो कार्ट्रिज केस है उसका बैक पोजीशन है बैक साइड है तो इसमें यहाँ पर इस तरह से कुछ आपको यहाँ पर ये यह इम्प्रेशन दिख रहे होंगे ठीक है so, सो इनको हम बोलते हैं ब्रीच फेस मार्क ये सारे के सारे मार्क्स आपके ब्रीच फेस में जितने भी इम्परफेक्शन्स होती हैं जितने भी आपके इम्प्योरिटीज़ होती हैं मतलब इम्प्योरिटीज़ नहीं इम्परफेक्शन्स होती हैं आपकी जो भी है वहाँ पर मेटल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसकी वजह से आपके जो इम होते हैं वो सारे के सारे आपके कार्ट्रिज केस के बेस पर इम्प्रिंट हो जाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं ब्रीच फेस मार्क ब्रीच फेस मार्क इसलिए क्योंकि वो सारे के सारे जो इंपरफेक्शन्स होती हैं वो ब्रीच फेस की वजह से डेवलप होती हैं इसलिए उसको हम बोलते हैं ब्रीच फेस मार्क ठीक है अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं इजेक्टर एंड एक्सट्रैक्टर मार्क्स की सो इन मॉडर्न पैराम्स देयर इज अ सिस्टम ऑफ एक्सट्रैक्टर और इजेक्टर फॉर द रिमूवल ऑफ एम्पटी केस विद द हेल्प ऑफ द एम्पटी कार्ट्रोज केस विद द हेल्प ऑफ द यहां पर मिसिंग है कार्ट्रिज केस होगा ठीक है विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रेक्टर कार्ट्रिज केस रिमूव बाई पुलिंग इट टूवर्ड्स द बैक साइड आफ्टर रिमूविंग द कार्ट्रोज केस फ्रॉम द चैम्बर देयर इज द इजेक्शन ऑफ द कार्ट्रोज केस विद द हेल्प ऑफ द इजेक्टर जनरली देयर इज द एबसेंस ऑफ इजेक्टर सिस्टम इन रिवॉल्वर्स जो आपकी मॉडर्न फायराम्स जितने भी होते हैं उसमें जो आपका कार्ट्रिज केस होता है तो उसको बाहर पूरी तरह से निकालने के लिए इजेक्टर एंड एक्सट्राक्टर पिन होती हैं एक्सट्राक्टर पिन क्या रहती है आपकी जो एक्सट्राक्टर पिन रहती है वो आपके जो बुलेट कार्ट्रिज रहती है कार्ट्रिज केस रहता है उसको आपके चैम्बर से बाहर निकालती है देन जो इजेक्टर रहती है वो इजेक्टर आपके जो फायराम रहता है उससे पूरी तरह से बाहर की साइड में इजेक्ट कर देती है ठीक है तो ये दो काम होते हैं आपके एक्सट्राक्टर के एंड इजेक्टर के अभी कुछ फायराम्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्राक्टर एंड इजेक्टर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं कुछ में सिर्फ और सिर्फ एक्सट्राक्टर ही प्रेजेंट होता है जैसे कि जो आपके रिवॉल्वर्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्राक्टर प्रेजेंट होता है उसमें इजेक्टर सिस्टम एब्सेंट होता है आपके रिवॉल्वर्स में इजेक्टर एब्सेंट होता है ठीक है देन इम्प्योरिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दर्फिस ऑफ एक्सट्राक्टर एंड इजेक्टर विच

तो उसका भी एग्जामिनेशन आपको सेम उसी तरह से करना होता है उसके लिए भी आपको साइज शेप एंड पूरा उसका पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है क्वेश्चन और स्टैंडर्ड सैम्पल का कंपैरिजन माइक्रोस्कोप की है उससे साइड बाय साइड दोनों का इमेज देखते हुए आप अच्छी तरह से उसको एग्जामिन कर सकते हैं एंड उसके बिजिज पर आप अपने जो भी आपका स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैम्पल है तो वो सिमिलर है या डिसिमिलर है तो उसका भी आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है तो so, ये होते हैं आपके एक्स्ट्रैक्टर एंड इजेक्टर मार्क्स इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं चैम्बर मार्क्स की सो आफ्टर फायरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ प्रॉप्येंट मटेरियल्स मेक द फोर्सफुल कॉन्टैक्ट बिटवीन द साइड ऑफ कार्ट्रिज केस एंड इंटरनल सर्फिस ऑफ चैम्बर ड्यू टू दिस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंटरनल सर्फिस ऑफ चैम्बर इम्प्रिंट ऑन द इम्प्रिंट इन द फॉर्म ऑफ इंडेंटेड मार्क्स ऑन द साइड ऑफ कार्ट्रिज केस दीज मार्क्स आर नोन एज चैम्बर मार्क्स सो चैम्बल मार्क्स क्या होते हैं आपका जो चैम्बर रहता है जहाँ पर आपकी कार्ट्रिज हाउस करी जाती है जहाँ पर आपकी कार्ट्रिज को रखा जाता है जब आप फायरिंग करनी होती है तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे इम्परफेक्शन्स प्रेजेंट होती हैं क्योंकि जितना भी आपका फायराम रहता है उसका इंटरनल पोर्शन उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है थोड़ा बहुत उसमें इम्परफेक्शन्स होती हैं इसके अलावा बाकी जैसे कि आपने पर आपका रेगुलर यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे इम्परफेक्शन उसमें धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं तो वो सारे के सारे आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरस्टिक्स में आती हैं ठीक है थीके? तो इसी तरह से जो आपका चैम्बर रहता है तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी आपकी इम्परफेक्शन्स होती हैं जो कि जब वही प्रेशर लगता है तो जो तो कार्टरेज केस की साइड वॉल्स होती हैं वो आपके चैम्बर से टकराती हैं एंड उसकी वजह से जो आपके चैम्बर मार्क्स चैम्बर में जितने भी सारे इम्परफेक्शन्स होती हैं वो सारे के सारे आपके कार्ट्रेज केस की साइड पर आपकी डेवलप हो जाती हैं सपोज ये आपका कार्टरेज कार्टरेज है कार्ट्रिज केस है ये आपका बेस है उसका एंड ये साइड्स है तो जो आपके चैम्बर मार्क्स होंगे वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे आपके ठीक है तो ये हो गया आपका चैम्बर मार्क्स देन कंपेरिजन ऑफ दीज मार्क्स कैन ऑल्सो भी द हेल्प ऑफ दिजन माइक्रोस्कोप बाई यूजिंग क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड सैंपल्स ठीक है अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर एक और मार्क्स है एंड दीज आर अदर मार्क्स सो अदर मार्क्स में बेसिकली आपके मैगजीन मार्क्स एंड स्लाइड ड्रैग मार्क्स एंड जितने भी मैंने आपको इससे पहले बता चुकी हूँ उसके अलावा जितने भी आपके कार्ट्रिज केस पर मार्क्स प्रेजेंट होंगे तो वो सारे के सारे आपके अदर मार्क्स के अंदर इंक्लूड होते हैं मैगजीन मार्क्स बेसिकली आपका क्या करती हैं जैसे मैगजीन जो रहती है उसमें आपका ऑटो लोडिंग होती है ऑटो रीलोडिंग होती है तो उस सब की वजह से आपके जो कार्ट्रिज केस होता है उसमें कई सारी तरह के मार्क्स प्रेजेंट हो जाते हैं मार्क्स बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैगजीन मार्क्स ठीक है इसी तरह से होते हैं स्लाइड ड्रैग मार्क्स जैसे कि आपकी जो कार्ट्रिज रहती है तो उसमें कुछ कार्ट्रिज केस पर कुछ स्लाइड ड्रैग के मार्क्स भी बन जाते हैं ठीक है तो चलिए हम अभी इन सारे मार्क्स को एक डायग्राम की हेल्प से बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे मार्क्स आपको एक ही कार्ट्रिज केस से बहुत ही क्लियरली दिखेंगे इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इसका जो है आपका बेस है का्ड्रिज केस का ये सेंटर में आपका परक्यूजन कैप है एंड परक्यूजन कैप के अंदर यहाँ पर जो आपको ये एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है होल नहीं है ये एक डिप्रेस्ड इम्प्रेशन है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आपकी फायरिंग पिन हिट करती है जिसकी वजह से इसमें इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड क्रेटर बन जाता है सो so यहाँ पर जो आपके परक्यूजन कैप में जो आपका इंप्रेशन प्रेजेंट मिलता है आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड पोर्शन इम्प्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं फायरिंग पिन इंप्रेशन या फिर फायरिंग पिन मार्क इसके अलावा आपके बैक साइड में जो आपका कार्ट्रिज केस रहता है उसके बैक साइड में आपके ब्रीच फेस मार्क भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपके ये सारे जितने भी मार्क्स प्रेजेंट हैं ये सारे के सारे आपके ब्रीच फेस मार्क्स हैं ठीक है इसके अलावा इसमें जो है रहता है फायरिंग पिन स्क्रैप मार्क यहाँ पर जो आपका हल्का सा फायरिंग पिन के साथ में ही जो आपका थोड़ा सा रेज्ड पोर्शन एक दिख रहा था आपको यहाँ पर अगर मैं एक बार क्लियर कर दूँ तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा रेज्ड पोर्शन दिख रहा है जिसको हम फायरिंग स्क्रेप मार्क बोलते हैं ठीक है देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्टर मार्क्स भी होते हैं एक्सट्रैक्टर मार्क मतलब कि आपके कार्ट्रिज को बाहर के साइड में रिमूव करने के लिए कार्ट्रिज को आपके फायर आर्म से बाहर निकालने के लिए जो इजेक्ट एक्स्ट्रैक्टर एंड इजेक्टर पिंस होती हैं उनकी वजह से जो मार्क बनता है तो यहाँ पर जो मार्क आपको दिख रहा है ये इस तरह से ये आपका एक्सट्रैक्टर मार्क है एंड यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला मार्क तो ये आपका इजेक्शन पोर्ट मार्क है यानी कि यहाँ से आपका इजेक्शन होता है इस पोर्शन से एंड यहाँ से आपका जो फायराम रहता है उसको एक्स्ट्राक्टर होता है एक्स्ट्राक्शन होता है ठीक है सो so, ये हो गया आपके एक्सट्रैक्शन मार्क इजेक्टर मार्क ब्रिज फेस मार्क फायरिंग पिन मार्क एंड फायरिंग पिन स्क्रेप मार्क ठीक है जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था इस साइड में आपका एक्सट्रैक्टर मार्क था इसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक एक्सट्रैक्टर मार्क नजर आएगा ठीक है so, सो ये भी आपका एक एक्स्ट्रैक्टर मार्क है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो ये आपका कार्डरेज का आपके साइड हैं ठीक है थीके? तो इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे इस तरह से ये आपके मार्क्स नज़र आ रहे हैं तो ये सारे के सारे आपके चैम्बर मार्क्स होते हैं तो यहाँ पर ये यह आपके चैम्बर मार्क्स हैं इसके अलावा ये आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्रेसड आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा डार्क है इसमें तो ये जो डार्क सब आपका मार्क बना हुआ है इसको हम बोलते हैं मैगजीन लिप मार्क्स मैगजीन लिप मार्क्स या फिर इनको सिंपली मैगजीन मार्क्स भी बोलते हैं इसके अलावा अदर मार्क्स भी हैं जैसे कि ये आपका स्लाइड स्कफ़ मार्क्स हैं यहाँ पर साइड में स्लाइड स्कफ़ मार्क है स्लाइड ड्रैग मार्क है तो जब आपका एक्सट्रैक्शन होता है इजेक्शन होता है तो जो वो आपकी कार्ट्रुज रहती है तो उसमें ड्रैग लगता है आपकी बैरल्स के जो चैम्बर साइड होता है वहाँ से आपका पूरा ड्रैग लगता है जिसकी तो वजह से यहाँ पर स्लाइड ड्रैग मार्क बन जाता है ठीक है तो ये इतने सारे तरह के आपके कार्ट्रोज केस पे मार्क्स आपके देखने को मिलते हैं ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू से बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड आपका जो काटरिज केस रहता है उस पर सिर्फ इतने ही तरह के मार्क्स प्रेजेंट होते हैं एंड इनकी हेल्प से ही आप क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड सैंपल को बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप पता लगा सकते हैं कि दोनों के दोनों से सेम है या फिर दोनों के दोनों डिफरेंट हैं ये दोनों को जो भी आपका स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन सैंपल होता है उनके जो भी आप मार्क्स का एग्जामिनेशन रहता है वो बेसिकली आपके उनके साइज़ शेप एंड वो पूरा जो आपका मार्क्स दिख रहे हैं वो दोनों सिमिलर है या नहीं तो इसका जो आप कंपैरिजन करते हैं बेसिकली उसका कंपैरिजन आपको कंपैरिजन माइक्रोस्कोप से करना होता है ठीक है सो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप किस तरह से वर्क करता है वो क्या होता है उसके बारे में भी मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाली हूँ तो उससे आप देख लेंगे वाला वीडियो तो वहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कंपेयर करना होता है तो वो आप किस तरह से करते हैं वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आपको हेल्प मिल जाती है इनको कंपेयर करने के लिए ठीक है सो so बेसिकली जितने तरह के आपके मार्क्स प्रेजेंट होते हैं कार्ट्रोज केस पर वहाँ पर मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू से भी अच्छे से क्लियर कर दिया है इसके अलावा हर एक प्रॉपर मार्क की सबके मैंने डेफिनेशन के साथ बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझा दिया है ठीक है एंड आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड यहाँ पर ये वाला टॉपिक खत्म होता है इसके बाद में हम बात करेंगे जो आपका बुलेट्स रहती हैं तो उनका हम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं देन हम रेंज ऑफ फायरिंग एंड इस तरह से और भी जितने भी टॉपिक्स हैं तो उनको भी हमें धीरे धीरे करके हम एग्जामिनेशन में ही कवर कर लेंगे एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा बिकॉज़ फ़ेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्री सैम्पल्स की पी शेयर करी थी उनके मैंने कुछ स्क्रीन भी आज सेंड किए थे एंड इसके अलावा आज कल मैं आपके लिए आज से कल तक मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पीडीएफ्स हैं जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में ही हैं जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट देने वाली हैं ठीक है तो वो कंप्लीट पीडीएफ है वो कोई सैम्पल नहीं है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे एंड वो आपको नेट के एग्जाम में बहुत बेनिफिट देने वाले हैं ठीक है तो फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से मुझे फॉलो कर लीजिएगा ठीक है एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर